Hello dear children, how are you all? Today we are going to do in our Marigold book, we had started unit 5, Zoo Manners. I hope you all remember. Okay, so and we had done all the exercises up to page number 79. Now we are going to do a new lesson in the same unit 5, that is on page number 80, and the name of the lesson is Funny Bunny, yani फनी बनी, यानी एक रैबिट की स्टोरी है जो हमको बताता है कि रैबिट कैसा डरपोक है और पूरे लेसन में क्या क्या होता है, दैट विल सी. सो वी स्टार्ट द लेसन. वन डे ए नट फेल ऑन फनी बनी. आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. आई मस्ट टेल द किंग. तो एक दिन फनी बनी यानी ये रैबिट है तो वो एक ट्री के नीचे बैठा था, तो ऊपर से एक नट यानी कोई फ्रूट आके उसके सर पे गिरा, तो उसको सिर पे जोर से लगा, तो उसने बोला आउच, आकाश गिर रहा है. उसने ऊपर देखा नहीं क्या गिरा और सीधा बोलने लगा कि आकाश गिर रहा है, स्काई मेरे ऊपर गिर रहा है, मुझे जल्दी जल्दी जाके राजा को बताना पड़ेगा. वहाँ के राजा को जाके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे स्काई गिर रहा है. ऑन द वे ही मेट हैनी पैनी. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. फिर वो जा रहा था दौड़ते दौड़ते, तो रास्ते में उसको हैनी यानी हैन मिला, उसका नाम पैनी, हैनी पैनी मिली यानी मुर्गी मिली. तो उसने उसको बोला कि sky गिर रहा है Funny Bunny ने, और मैं तो राजा को बोलने जा रहा हूँ. तो हैनी पैनी said, I will come too, said हैनी पैनी. मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ राजा को बोलने. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. फिर फनी बनी और हैनी पैनी दोनों राजा के पास जा रहे हैं उनको बोलने के लिए. सून दे मेट कॉकी लॉकी. तो आगे जाते हैं तो कॉकी यानी कॉक मिलता है, उसका नाम है कॉकी लॉकी. तो कॉकी लॉकी मिलता है तो फनी बनी उसको बोलता है, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. I am going to tell the king, और मैं तो राजा को बताने जा रहा हूँ. तो पहले फनी बनी था, फिर हैनी पैनी, फिर कॉकी लॉकी, तीन जन हो गए. अब सब लोग दौड़ते दौड़ते जा रहे, चलो आई विल ऑल्सो कम, सेड कॉकी लॉकी. तो लॉकी कॉकी लॉकी बोलता है चलो मैं भी आता हूँ राजा को बोलने. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. ऑन द वे दे मेट लकी डकी. अब तीनों दौड़ दौड़ कर जा रहे थे, उतने में उनको एक डक मिलता है, वो है लकी डकी. तो वो रैबिट बोलता है, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सैड फनी बनी. आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं तो राजा को बोलने जा रहा हूँ. आई विल कम टू, सैड लकी डकी. तो अभी डक भी उनके साथ ज्वाइन हो गए, फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी एंड लकी डकी, चारों जा रहे हैं. तो आई विल कम टू, सेड लकी डकी. फिर वो भी जाती है साथ में, हैन भी जाता है, हैन डक रैबिट सब जाते हैं. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, राजा को ढूंढने जा रहे हैं. ऑन द वे दे मेट पुसी गुसी. उनको एक गूज मिलता है, तो गूज बोलता है कहाँ जा रहे हैं सब लोग. तो रैबिट ने बोला, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं राजा को बोलने जा रहा हूँ. I will come too, said Pussy Goosey. Pussy Goosey बोलता है चलो मैं भी आता हूँ. And off they went to find the king. On the way, अब पांचों जन जा रहे हैं साथ में. On the way, they met Woxy Foxy. Fox यानी बहुत cunning animal होता है, वो तो बहुत किसी की दया नहीं कुछ भी कर सकता है, बहुत sly animal है. तो वो मिलता है Woxy Foxy. फिर क्या होता है, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड वी आर गोइंग टू टेल द किंग. अभी सब ने साथ में बोला कि स्काई गिर रहा है, आकाश गिर रहा है, हम तो राजा को बताने जा रहे हैं. द किंग लिव्स हियर, सेड वॉक्सी फॉक्सी, फॉलो मी. तो किंग ये वॉक्सी फॉक्सी बहुत खराब है, तो वो इन सबको बोलता है हाँ मुझे पता है राजा कहाँ रहते, देखो उसके मुँह में से पानी निकल रहा है, उसका इरादा क्या है इन सबको खा जाने का. तो वो उनको ले जाता है टू द फोर्ट, ऐसा जू फोर्ट यानी महल. उसे हाँ मुझे पता है राजा के महल का रास्ता का है, चलो मेरे साथ. तो एंड दैट वाज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी
लकी डकी एंड पुसी गुसी। बस ये सारे उसके पीछे पीछे गए और वो उनका एंड था। उनका एंड था मतलब ये जो वॉक्सी फॉक्सी है ना, वो फनी बनी को, हैनी पैनी को, कॉकी लॉकी को, लकी डकी को, पुसी गुसी सबको खा गया। फिर वो लोग कभी वापिस आए नहीं। तो हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए और कोई भी चीज़ देख के तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो हुआ तो पूरी दुनिया एक साथ जमा होके सब डिसाइड कर ले, लेकिन हमेशा अपने ब्रेन का यूज़ करके बराबर सोच के काम करना चाहिए और किसी को बिना सोचे समझे फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, न्यू वर्ड्स NUT OUCH ouch MET met IM I will off and we are. Okay, so this is page 82 and we have completed the lesson in the explanation part in the textbook. Okay, read the lesson properly.